जय श्री राम। मित्रों मैं आज आप सबको माँ कुष्मांडा देवी की पूजा का शुभ मुहूर्त स्वरूप और मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि के साथ आरंभ हुए थे। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधोत पूजा की जाती है। इसी क्रम में चौथे दिन आदिशक्ति के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा देवी ने सृष्टि की रचना की थी। कुष्मांडा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा को पेठे की बलि दिया जाता है, इससे माँ प्रसन्न होती है। यह भी माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आप सबको माँ कुष्मांडा देवी की पूजा का शुभ मुहूर्त और स्वरूप के और मंत्रों के बारे में बताता हूँ। माँ कुष्मांडा 9 देवियों में से चौथा अवतार माना जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती है, इसी कारण उन्हें अष्टभुजा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि माँ के एक हाथ में जपमाला होता है, इसके साथ ही अन्य सातों हाथों में धनुष बाण कमंडल और अमृतपूर्ण कलश चक्र और गदा शामिल है। आइए मैं अब आप सबको माँ कुष्मांडा देवी की पूजा विधि के बारे में बताता हूँ। इस दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद विधिवत तरीके से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ कलश की पूजा करें। माँ दुर्गा को सिंदूर पुष्प माला अक्षत आदि चढ़ाएं, जल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके साथ ही मैं आप सबको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का भी 108 बार जाप जरूर करें। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा नमः। इस मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके ऊपर माँ कुष्मांडा की कृपा सदा बनी रहती है। मित्रों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के बारे में रेगुलर बेस पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।